मक्की के ढोकले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप जितना मक्की का आटा, और फिर इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी मिर्ची और लहसुन कूटा हुआ। और फिर मैंने यहाँ पे मेथी को अच्छे से साफ करके धो के काट के डाला है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे कटा हुआ धनिया, फिर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और 1 टीस्पून जितना धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और 1 टेबल स्पून जितना यहाँ पे मैंने तिल डाला है। और फिर ये मैंने यहाँ पे डाला है पापड़ खारा आता है वो 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें डाला है यहाँ पे तेल। और अभी हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको इसका डो बना के तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पूरा मक्की का आटा ही लिया है, और आप चाहो तो यहाँ पे 1 कप जितना मक्की का आटा और 1 कप जितना गेहूं का आटा भी दोनों मिक्स डाल के भी बना सकते हो। और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका यहाँ पे आटा गूंद के तैयार कर लूँगी। और ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है इसको। ये देखिए इस तरीके से ये। और अभी हमें इसको ढक के 10 से 15 मिनट के हम रखेंगे इसको। ये देखिए ये इकट्ठा नहीं आ रहा है क्योंकि ये मक्की है जो ऐसे बिखरता है थोड़ा। और फिर कवर करके इसको 10 से 15 मिनट छोड़ेंगे, और फिर उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको एक बार अच्छे से और गूंथ लेंगे। और फिर हम यहाँ पे देखिए ये लोइया बना के तैयार करेंगे। लोई से हल्का सा बड़ा, ये साइज़ अपने हिसाब से आप घटा बढ़ा सकते हो। ये देखिए जितना आप करना चाहो वैसे ऐसे गोल गोल बना के तैयार कर लेंगे इसको। ये देखिए, और बीच में हम ऐसे ही खड्डा कर लेंगे। हम खड्डा बीच में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्टीम करेंगे तब वो अच्छे से अंदर से पक जाए, नहीं तो फिर वो कच्चा रहता है। तो ये देखिए पूरा करें एकदम, दोनों साइड से दिखना चाहिए। फिर मैं यहाँ पे सारे ढोकले बना के तैयार कर लूँगी। ये देखिए, और अभी मैं यहाँ पे स्टीम करने के लिए रखूँगी। तो मैंने पानी पहले से गरम कर लिया है, और ऊपर ये देखिए स्टीम के लिए एक बर्तन लिया है, और एक एक करके सारे ढोकले स्टीम करने के लिए डाल देंगे। ये देखिए, और अभी हमें कवर करके इन ढोकलों को 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम करना है। 10 से 15 मिनट के बाद आप एक बार अच्छे से इसको चेक कर ले। ढोकले यहाँ पे अच्छे से स्टीम हो गए हैं, तो अभी हम मैं यहाँ पे थाली में सर्व कर लूँगी। तो मैं मक्के के ढोकले के साथ मैं यहाँ पे कढ़ी बनाई है उसके साथ मैं यहाँ पे मक्के के ढोकले सर्व करूँगी, और इसके ऊपर गरम गरम घी डाल के ये बहुत टेस्टी लगता है। आप इसको एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, और मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू।